हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और आज करते हैं सामान्य हिंदी का टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और सेशन पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। और क्या करेंगे, 82 देखिए, ओ और अ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और अ किस प्रकार के वर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दैट्स वाई मैंने इसको सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो यह तलव्य वाले वर्ण हैं, या मूर्धन्य वाले वर्ण हैं, या फिर दंतोष्ठ, या फिर कंठोष्ठ। देखिए जो ओ है और अ जो है ना, ये किससे बोला जाता है, ये कंठ का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, और साथ में हम अपने ओठों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इट मीन्स ओष्ठ। सो कंठ और ओष्ठ का प्रयोग करते हैं, इसीलिए राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, कंठोष्ठ, ठीक है, ओ और औ, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, 52, सबको पता है। देखिए 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, प्लस 41 क्या होते हैं, ये आपके व्यंजन होते हैं, और इजिकल टू कितना हो गया, 52, ठीक है, स्वर और व्यंजन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो सबसे पहले यही समझ लीजिए कि अल्प प्राण क्या होता है। देखिए अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, प्राण मतलब वायु। तो जिस वर्ण को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में हमें कम वायु निकालना पड़े, तो उसे बोलते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण इसका अपोजिट हो जाता है, महा मतलब भाई ज़्यादा प्राण निकालना पड़ता है, तो महाप्राण बोल देते हैं इसमें, इसमें वायु हमें अधिक निकालना जरूरत पड़ता है। तो पूछा है कि अल्प प्राण, तो वे चार जो वर्ण लिखे हुए हैं, जैसे खा, था, चा और फा, तो इसको जब आप बोलोगे तब आपको, आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे कि कौन से व्यंजन हमें बोलने में ज़्यादा, मतलब अल्प प्राण की आवश्यकता होती है। जैसे खा है तो ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, इसलिए खा, था और फा, ये तीनों आपके गलत हो जाते हैं। जबकि चा जो है, चा, इसमें अल्प प्राण हमें लगाने की जरूरत होती है, इसलिए चा ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, अघोष, ठीक है, अघोष। मतलब अघोष में क्या होता है, जब हम सांस का प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वर में क्या होता है, कंपन नहीं होता है, और सघोष में कंपन होता है, इसमें कंपन होता है और अघोष में कंपन नहीं होता है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग, देखो ऐसे जो क्वेश्चन आएगा ना, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ बन जाता है। लेकिन जब अगर आपको पता है कि महाप्राण जो होते हैं वो 24 होते हैं, ठीक है, और अल्प प्राण 135, इतना अगर आपको याद है कि जो महाप्राण है वो 24 होता है, 24 कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि का, खा, ग, घा और अंगा, ठीक है, तो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये पांचवें नंबर पे है। तो जो महाप्राण होता है वो 24 होता है, इट मीन्स सेकेंड प्लेस पे आएगा और फोर्थ प्लेस पे आएगा। तो खा, खा और घा, ये क्या होते हैं, ये महाप्राण है, ठीक है, महाप्राण। तो इसीलिए खा आपका मिल गया, तो खा ये करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार छा भी आता है, इसी प्रकार ठा भी आता है, क्लियर है। तो सारे वर्गों का अगर देखेंगे तो खा, ठा और छा, इट मीन्स ऑप्शन जो आपका ए है यही करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर पाएंगे, बट आपको याद होना चाहिए कि महाप्राण क्या होता है, 24 होता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय आसान होता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है और याद करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो अध्यक्ष, अध्यक्ष में आपका क्या बनेगा, अधि बनेगा, इट मीन्स ऑप्शन ए। टेस्ट के लास्ट में आप लोग बताओगे कि आपका कितना सही हुआ है। देखिए नेक्स्ट, संग्राम, संग्राम में उपसर्ग बताना है, संग्राम, संग्राम में उपसर्ग क्या बनेगा, संग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में प्रत्यय पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि प्रत्यय पूछा है कि उपसर्ग पूछा है। अच्छा होता क्या है, गलती कभी कभी कर देते हैं कि सावधानी में प्रत्यय पूछा है और जल्दबाजी में लोग उपसर्ग लगा के चले जाते हैं,
सावधानी में एक चीज ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो सावधान है ये आपके होते हैं मूल शब्द, ठीक है, मूल होते हैं, प्लस आपकी जो ई बचता है ई, तो यही आपका क्या है, प्रत्यय, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, सावधानी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, ईजी, ऑप्शन सी दगी। नेक्स्ट, निम्न में से प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए, सही उपसर्ग का चयन करना था, उत्करण, उत्करण का क्या बनेगा आपका, उत बनेगा क्योंकि उपसर्ग पूछ रहा है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, गृह, पता, चंदन, सभा, स्त्रीलिंग कौन सा है, सभा, ऑप्शन डी। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दुख, लेख, स्पर्श या गरिमा, राइट आंसर क्या बनेगा, गरिमा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से पुरलिंग शब्द, इस बार पुरलिंग बताना है ना कि स्त्रीलिंग, पुरलिंग बताइए इस बार क्या है, क्षमा, क्षेत्र, घटना या रीति, पुरलिंग क्या बनेगा आपका, क्षेत्र, ऑप्शन सी। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, छाज, तिल, काढ़ा, टेशु, छाज, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा है, गंगा, पुराना, नीला और मोटा, तो सारे ऑप्शंस तो गलत लग ही रहे हैं, केवल गंगा से करेक्ट है, तो जो संज्ञा है आपका नाउन गंगा है, बाकी ये सब क्या है, विश्लेषण बता रहे भैया, विशेषता ही बताएंगे किसी के। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें कौन सा सर्वनाम है, संबंध वाचक सर्वनाम है, इट मीन्स ऑप्शन सी। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है, नींद, रोग, सफाई, कौन, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, सर्वनाम शब्द कौन से हैं, कौन। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक, संबंध वाचक, निज वाचक, सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, अनिश्चय, क्योंकि लिखा है कोई आ रहा है तो ये निश्चित नहीं है कि कौन है, इसलिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। मुझे किस प्रकार का, मुझे जो है ये वर्ड जो है, शब्द जो है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, बताइए, दिया है आपका क्या है, उत्तम पुरुष, ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, उत्तम पुरुष, मुझे, क्लियर। नेक्स्ट, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, अब इसमें बताइए कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक, निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, राइट आंसर क्या बनेगा डियर आपका, गुणवाचक, ठीक है, क्योंकि गुणवाचक सर्वनाम के भेद नहीं होता है, क्लियर। तो यहीं पे फिनिश करते हैं सेशन को, और 20 क्वेश्चंस टोटल थे, तो आप लोग बताओगे कि आउट ऑफ 20 में आपका कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट कर पाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट विश विल, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।